क्रिकेटर से नेता बने भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व महान कप्तानों पर एक विवादास्पद बयान देकर सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौतम गंभीर ने पूर्व कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कहा कि कोहली धोनी की पूजा करना बंद कर दो, भारतीय क्रिकेट टीम को ही असली हीरो और भगवान मानना चाहिए, ऐसे में किसी क्रिकेटर को भगवान मानना सही नहीं है। गौतम गंभीर के इस बयान से कोहली और धोनी के फैंस में अब खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग गौतम गंभीर के इस बयान को कोहली और धोनी के प्रति घृणा और खींच बताकर इन्हें लताड़ लगा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि गौतम गंभीर पूर्व दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं और महोदय पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम कमेंटेटर हैं। कोहली और धोनी से उनका विवाद भी जग जाहिर है। ऐसे में गंभीर ने जब इन पूर्व कप्तानों पर बयान जारी किया तो लोग गंभीर को नेतागिरी के साइड इफेक्ट समझाने लगे। गंभीर के इस बयान पर धोनी और कोहली के प्रशंसकों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व क्रिकेटर के लिए लानत मलानत का समय शुरू हो चुका है। गौतम गंभीर के इस बयान पर एक यूजर ने कहा, किसी का पसंदीदा क्रिकेटर होने से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान कहते आए हैं और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए सबसे पसंदीदा क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर वर्षों तक रहे हैं। आज के बच्चे और युवा अगर किसी क्रिकेटर को हीरो मानते हैं तो इसमें बुराई क्या है। एक और यूजर ने कहा, गौतम गंभीर कोहली से नफरत करते हैं और ऐसा करके वो अपनी महत्ता खुद कम कर रहे हैं। गौतम गंभीर के लिए एक यूजर ने कहा, भाई तू इतना जलता क्यों है कोहली से, सूतिया है ये, अपनी पार्टी जाके देख, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारतीयों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, वो चाहे किसी व्यक्ति को हीरो माने या भगवान, ये उसका मौलिक अधिकार है। ऐसे में ये मौसमी नेता लोगों को ये समझा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हीरो नहीं मानना चाहिए। वैसे जानकारी के लिए बता दें, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्या भाजपा सांसद में इतना साहस है कि वो उनके लिए भी यही बात कर सकें?